हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई यात्रा पर। कसाई जी की कहानी, इनकी भक्ति का प्रमाण स्वयं जगन्नाथ जी ने दिया। सदन नाम के एक संत थे, उनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने आते थे। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्रायः पैदल ही यात्रा होती थी। वह एक गांव से भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का मन करता है। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आप यहीं प्रसाद खा लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा, ठीक है। उनसे करुणावश यह गलती हो गई। साधु के लिए भिक्षा और शयन के नियम। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से भीख मांग लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज़ देकर फिर आगे बढ़ जाएं। संतों को उदर पोषण करके भोजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उसने कहा, रात्रि होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं रुकेंगे ही, आज हमारे घर में ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से दूसरी गलती हो गई। एक विरक्त सन्यासी संत को कभी गृहस्थों के आसन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर में या खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि अति आवश्यक हो तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और स्वयं का आसन बिछा के कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को शयन नहीं करना चाहिए। धर्म पर चलने वाले कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं करते। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात्रि में उठकर सदन जी के पास आ गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा, इनके कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है और उसने जाकर अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। वो बोले, अरे यह तो महान अपराध है, तू निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई? उन्होंने उसे बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण
स्वीकार नहीं है। उस महिला ने हल्ला मचा दिया, कहा, देखो रात में इनको साधु समझकर हमने हमारे घर रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो न जाने मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की और बंधन में डालकर सुबह राजा के पास ले गए। गंभीर से गंभीर स्थिति में भी भक्त डगमगाता नहीं है। सदन जी मुस्कुराते रहे और सोच रहे थे, जगन्नाथ जी आपने बड़ी ही सुंदर लीला की है, भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं, भक्त केवल भगवान को देखता है, जैसे सब उनकी लीला ही हो। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है। अब संतों की भाषा केवल संत ही समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है, कोई ना कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे हैं कि कोई ना कोई पाप पिछले जन्म का बाकी तो है ही, जिसकी वजह से प्रभु उन्हें फंसा कर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी, दोनों हाथ काट कर छोड़ दिया जाए। वह साधु थे इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया। सदन जी के दोनों हाथ वापस प्रकट हो गए। सदन जी सजा मिलने के पश्चात सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की इच्छा थी, पर अब मेरे हाथ ही नहीं है। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रयास किया तो उनके दोनों हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह गायब हो गए और उनका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और दंड भी दिलवाया। सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार ही दिखाई देता है। निष्कर्ष, कभी कभी धर्म से चलने वाले की दुर्गति होते हुए दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अपने कर्मों को छोटा ना समझें, चाहे वो किसानी हो या व्यापार हो। आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है, नाम जप करें और सत्य से जो भी कमाई हो सादा जीवन जिएं। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिनके लिए आप पापाचरण करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पड़ाव पर, यानी कि अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। मिलता हूँ अगले वीडियो पर। बाय बाय दोस्तों।